इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे कल दोपहर 12:30 बजे आएंगे। कोरोना की वजह से इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा वेबसाइट पर इन नतीजों को जारी करेंगे। रिजल्ट आप देख सकते हैं ऑनलाइन bseb.in पर और biharboardonline.com पर। तो दो वेबसाइट्स हैं। प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं हमसे। प्रकाश, ज्यादातर जो नतीजे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए जाते हैं, लेकिन इस बार हमें ये नतीजे ऑनलाइन देखने होंगे जो छात्र हैं बिहार के उनको। जी हाँ शोभना, आज ईद का दिन था। ऐसे तो रिजल्ट पिछले 5 दिनों से चल रहा था कि कभी भी आ सकता है, लेकिन आज ये तय हो गया कि कल 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो वेबसाइट पर क्लिक करके लॉन्च करेंगे और कल पता चल पाएगा कि कौन टॉपर है। और टॉपर 10 लोगों के नाम सामने आएंगे जो 1, 2, 3 हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी कौन कितना रिजल्ट लाया। तो 10वीं की परीक्षा का इंतजार था काफी दिनों से कि इसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद फिर आगे की तैयारी। प्रकाश, ऐसी सूरत में एक बड़ी दिक्कत छात्रों के सामने आती है और वो दिक्कत ये होती है कि सर्वर क्रैश कर जाता है। इतने बच्चे अचानक रिजल्ट चेक करने लगते हैं कि सर्वर क्रैश कर जाता है और बच्चों तक नतीजे पहुंच नहीं पाते, अननेसेसरी का डिले होता है, एंग्जाइटी होती है। इस सब समस्याओं को एड्रेस करते हुए सरकार ने क्या खास इंतजाम किए? इंटरनेट फेल हो जाता है। देखिए, रिजल्ट तो इस बार कोरोना की वजह से भी यह चीज जारी किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो उसमें लिस्ट भी दिए जाते थे और वेबसाइट पर ही जाना पड़ता था, उनके साइट पर ही। लेकिन इस बार उनकी कोशिश ये है कि तकनीकी तौर पर जो सर्वर है उसको मजबूत बनाया जाए और एक साथ लाखों लोग अगर देखेंगे तो वो देख सके। लेकिन कोई ऐसी परेशानी आएगी तो उसके लिए जो अध्यक्ष हैं अमित किशोर, वो कह रहे थे कि उसके लिए तैयारी हमने कर रखी है, कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसका निदान निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, कल बिहार में 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, दोपहर 12:30 बजे ये घोषणा की जाएगी।